आने को है और मूर्तियों का अंतिम स्वरूप देने का कार्य चल रहा है, लेकिन मूर्तिकार आर्थिक संकट में दिखाई देने लगे हैं। मूर्तिकार बताते हैं कि फरवरी माह से मूर्ति का काम लगभग पूरा हो जाएगा और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मूर्ति बनाने का ऑर्डर तो दे दिया है लेकिन अब तक मूर्ति की पूछ परख तक नहीं कर रहे हैं। और हमने इस बार 16 लाख रुपए तक की मूर्तियां तैयार की हैं। परेशान मूर्तिकारों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। काल है और ऐसे में नवरात्रि की तैयारियां भी शुरू हो गई है। मूर्तिकार जो है अब मूर्ति को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नवरात्रि की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। मूर्ति का जो अंतिम स्वरूप है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ मूर्तिकार भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो मूर्ति का अंतिम स्वरूप आप दे रहे हैं कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे और इस बार जो है पहले के मुकाबले कितनी तैयारियां की है और कोरोना काल है तो ऐसे में कितनी तैयारियां की गई है। जैसे कि प्रशासन अगर आदेश देता है कि बड़ी मूर्तियां नहीं इस बार लगेंगी तो क्या कहेंगे? इस बार कोरोना के नाम से तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है यहाँ, और हमारे यहाँ अभी 85 मूर्ति बन चुका है। 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट तक के मूर्ति बना हुआ है और परेशानी तो हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। यदि प्रशासन आदेश देता है कि छोटी मूर्तियां ही इस बार जो है वो पंडालों में बिठाई जाएगी, जैसे कि गणेश पक्ष में उन्होंने निर्धारित किया था कि 5 फीट से ऊपर की मूर्तियां जो है वो नहीं विस्थापित की जाएगी, तो अभी जो है अभी अगर ऐसा आदेश आता है तो इन मूर्तियों का क्या होगा? अब अगर मान जा अभी अगर आदेश आता है तो ये मूर्ति तो यहीं रुक जाएगा और छोटा मोटा जो काम अगर मान लो जा चलेगा अभी तो कारीगरों का तो पेट नहीं भरेगा और बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। इतना ज़्यादा परेशानी तो है ही है क्योंकि गणेश में पूरा परेशानी परेशानी चला, कारीगरों का पेमेंट नहीं हो पाया। अब दुर्गा में और अगर ऐसे हो जाता है तो समझ जाओ कलाकारों का मतलब दयनीय स्थिति जो है बहुत ही खराब हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और किस तरह की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई, कितनी लागत से यहाँ पर मूर्ति बनी है? मेरे यहाँ मतलब 10,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का मूर्ति है। अभी कितने की लागत से आपने मूर्ति तैयार की है और क्या इसकी भरपाई हो पाएगी इस बार? अभी मेरे पास लगभग 16 लाख तो खर्च हो चुका है, ये भरपाई तो संभव है ही नहीं है, कोई भी हालत में नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि मूर्तिकार अपना दर्द बता रहे हैं कि इन्होंने 16 लाख खर्च करके मूर्तियां बनाई हैं। ये पूरी जो पंडाल है वो पूरे मूर्तियों से भरी हुई है। मूर्तियों का जो अंतिम स्वरूप है वो यहाँ पर दिया जा रहा है लेकिन कोरोना काल है, ऐसे में इनका कहना है कि इनकी जो 16 लाख रुपए खर्च हुए हैं वो किसी भी हालत में इसकी भरपाई जो है वो नहीं हो सकेगी। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। अगली खबर इंदौर से। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में रहने वाली